यूपी में चुनावी सियासत की जंग के साथ जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। फतेहपुर जिले के सकूराबाद में विजय लक्ष्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सपा बसपा निर्लज्ज हैं, इनको प्रदेश की जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस सरकार में बाटला हाउस समेत कई आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन कांग्रेस केवल चिट्ठी लिखने का काम करती रही, जबकि मोदी सरकार ने पुलवामा आतंकी घटना के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया उसके बाद विरोधियों की नींद उड़ गई। और ताज होटल में आतंकवादी घटना, हिंदुस्तान की सरकार चिट्ठी लिखती थी। हम नरेंद्र मोदी के जमाने में दोस्ती का हाथ लगाया, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर जाकर के बधाई दी, दोस्ती में जगह मिली, पठानकोट में सेना पर हमला, तुरंत स्ट्राइक करके उन्हीं में सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मिला, मणिपुर के आतंकवादियों को मिला, नक्सलवाद को सब अपर जिले में था, पांच जिले में सिमट गया, आतंकवाद हिंदुस्तान भर था, आज केवल घाटी में सिमट गया। और पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला, ये हमारी बुंदेलखंड संसदीय बहादुरों की जमीन है, ये फतेहपुर है भैया, यहाँ भी स्वाभिमान की लड़ाई बहुत होती है। मैं जब प्रभारी मंत्री था तो यहाँ 150-200 आदमी रेल बंदूक के लाइसेंस के लिए मेरे पास आते थे, ये बहादुरों की भूमि है। जैसे बहादुरों में कोई डकी डकापति बड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी ने छिपा के नहीं, हुआ 40 जवान मरे, 12 हमारे राज्य के शहीद हुए। नरेंद्र मोदी ने कहा जवाब दूंगा, कड़ा जवाब दूंगा, गलती किया है छोड़ूंगा नहीं। कौन जानता था कि जवानों की चिता शांत होकर तेरे ही बीतते बीतते ही एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। तो हिंदुस्तान आज देख लिया है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है, यह चुनाव लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री के चुनने का चुनाव है, हमारा हिंदुस्तान देख लिया है कि और सब मजबूर है, अपने अपने स्वार्थों में मजबूर है, अपनी तिजोरियां भरने के लिए मजबूर है, अपनी खोई राजनीति का वापस लाने के लिए मजबूर है, परिवार की राजनीति के लिए मजबूर है, ये देश को मजबूर रखेंगे। मूल सरकार से कि अंत में भी माफी बनाना हिंदुस्तान को, मूल सरकार क्या फैसला आपका, क्या फैसला आपका है? तो मजबूत सरकार के लिए आप मानते हैं कि मोदी मजबूत सरकार दे सकते हैं? हर मोड़ पर भारत सरकार से उत्तर प्रदेश को केंद्र से भरपूर सहायता मिली, आपके यहाँ रेल का इतना बड़ा रेल पार्क का खजाना मिला, तो इस नाते से एक काम करने वाली विकास की सरकार, दूसरी ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी मनमोहन की, और उस भ्रष्टाचार में कांग्रेस के साथ साथ ये सपाई बसपाई यदि भ्रष्टाचार की सरकार दिल्ली में चला रहे थे तो ये भी उसके बराबर के हिस्सेदार थे कि नहीं थे, थे कि नहीं थे? उस सरकार के बाद मोदी जी ने सरकार चलाई, पहली हिंदुस्तान की ऐसी सरकार है जिस पर एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं आरोप लग पाया। तो ईमानदार पारदर्शी शासन दिया नरेंद्र मोदी ने, दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया? तो बोलिए पिछड़ा समाज के दिल में बसने वाले नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक बार जय जय श्री राम। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।